आज बर्फ में मजा आ गया गाइस, मजा। तो आज दोस्तों मैं पहली बार ड्रोन उड़ाने वाला हूँ यहाँ पे राड़ी वगैरह थे नहीं, तो हमने क्या किया कि बोतल को काट करके जो इसमें मैगी डाल दिया। ये भाई ने देखो पूरा बर्फ का टीला यहाँ पे उठा लिया। भाई कहाँ ले जा रहे? वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से ही आपका स्वागत है पहाड़ी राइड के ब्लॉक में। तो मेरा नाम है दुर्गेश भट्ट और मेरे गांव का नाम है नगल, जो कि पड़ता है राड़ी घाटी उत्तरकाशी में। तो चलिए दोस्तों आज की नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग होने वाला है काफ़ी अच्छा, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं जहां बर्फ पड़ी हुई है और हमारे गांव से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर जो है वहां पे एक ख़तरनाक बर्फ़ पड़ी हुई है जो आपको सामने दिख रही है राड़ी घाटी ऊपर। तो आज हम जाने वाले वहाँ और वहाँ का पूरा लोकेशन आपको दिखाने वाले, वहाँ की वादियों से आपको परिचित कराने वाले हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं सीधे आगे के ब्लॉक में। तब तक जय देवभूमि उत्तराखंड। तो अभी हम यहाँ से इस वाले रूट पे जाएंगे जहाँ हमारा ट्रैक आज का, यहाँ से जाते हैं बड़कोट के लिए और यहाँ से जाएंगे हम इस वाले रूट से। और यहाँ से देखिए दोस्तों बर्फ यहाँ से स्टार्ट हो गई है और ये बनाया तुमने कहा, और उसके ऊपर जो है गाड़ी इतनी तेज फिसल रही है। देखिए धक्के मार के जो है हम ले जा रहे हैं, मैं और दातू भाई, गौरव भाई। और देखिए कितनी बर्फ पड़ी हुई है। तो हमने अभी गाड़ी पीछे ही खड़ी कर दी, लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे, और हम आ गए हैं 2-3 किलोमीटर आगे। और यहाँ से देखिए सामने का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से देखिए यहाँ चारों तरफ जो है बर्फ़ पड़ी हुई है और गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से जो है इस रूट से निकल पा रही है, क्योंकि पूरा पाला पड़ा हुआ है इधर साइड पूरे रोडों में। और इसकी बनाएंगे हम अभी अब तो महंगे लग दिन ना लगो। भागो। और यहाँ देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है इधर साइड, और बहुत ही मज़ा आ रहा है इस बर्फ़ में। और यहाँ तो दोस्तों हरसिल से भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। हरसिल हम गए थे तो वहाँ पे उतनी बर्फ़ नहीं थी, पर यहाँ पे जो है दोस्तों आप देख सकते हैं खुद ही कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। अभी हम आगे जाने वाले हैं जंगलों के बीच में, वहाँ का भी आपको नज़ारा और व्यू दिखाएंगे कि कैसा और कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है वहाँ पर। और ये उड़ा हमारा ड्रोन, देखिए। हाँ हाँ, ऊपर ले जा, सीधा ले जा और ऊपर। और अभी हमारा ड्रोन पहुंच गया है ऊपर, आप यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, पर यहाँ पे पहुंच गया हमारा ड्रोन। अभी आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा मैं बाद में। और देखिए दोस्तों ड्रोन भी आ गया है हमारे पास। देखिए दोस्तों जेसीबी जो है यहाँ पे काम करके आ रही है, मतलब बर्फ हटाने का काम। तो देखिए कितनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई है इधर साइड, पूरा जेसीबी जो है इसको हटाने में लगा हुआ है इधर साइड। तो अभी हम लगभग 4 किलोमीटर आगे आ गए हैं दोस्तों, और गौरव भी मेरे साथ है। बर्फ कितनी प्यारी बर्फ है, एकदम वाइट। तो गौरव कैसा लग रहा है आज बर्फ में? मजा आ गया गाइस, मजा मजा, अभी तो मजा बाकी है। ये मजा हम सबको देना चाहते हैं सब। और तुम भी लेना चाहते हो तो आ जाओ राड़ी टॉप पहाड़ों में दोस्तों, ठीक है। ये अगर आपको कितना ज्यादा ढेर यहाँ पे लगा दिया है जेसीबी वाले ने, उसने सारा बर्फ यहाँ पे खराब कर दिया रोड के चक्कर में। इतनी अच्छी इतनी मोटी, यहाँ देखो गाइस 6 फुट की बर्फ पड़ी है। देखिए दोस्तों कितनी ज्यादा बर्फ, 6 फुट की बर्फ पूरी पूरा यहाँ पे जो है दोस्तों। ये हर साल जो है बंद हो जाती है दोस्तों इसी टाइम। आप लोग खाओगे?
और ये जो जगह है दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड उत्तरकाशी जनपद की राड़ी घाटी, जो कि आपके बड़कोट और उत्तरकाशी के बीच में पड़ता है, मतलब गंगा घाटी और यमुना घाटी के बीच में जो है दोस्तों ये जगह पड़ती है। और यहाँ देखिए दोस्तों, चारों तरफ बर्फ राड़ी घाटी में, देखिए बहुत ही। अभी दोस्तों हम आगे और ज़्यादा ऊपर जाएंगे चढ़ाई पे, क्योंकि जहाँ पे हमें जाना है दोस्तों अभी तक हम वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं, अभी बस थोड़ा सा रह गया है। और आगे देखिए दोस्तों, मेरे पीछे बहुत ही ख़तरनाक बर्फ़ पड़ी हुई है, देखिए ऐसा नज़ारा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। देखिए पर और देखिए भाई पाला पड़ा हुआ है और मैं गिर गया यहाँ पे। यहाँ देखिए दोस्तों, जंगली हिरण के जो है पैर के निशान आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है नीचे जंगलों की तरफ जा रहा है। और ये जो है, हाँ ये देखिए, ये ऊपर के लिए आया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ से जंगली हिरण के जो है यहाँ पे निशान आपको देख सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको चारों तरफ, ये आपके बांज ब्रांस के पेड़ है यहाँ पे। और यहाँ देखिए मेरे पीछे, यहाँ पूरा जंगल है और जंगलों के बीच में भी जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ। और देखिए अभी हम आगे तक जाएंगे वहाँ तक, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे, वहाँ का लोकेशन भी दिखाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों इंजॉय करिए तब तक। दोस्तों मैं पहली बार ड्रोन उड़ाने वाला हूँ यहाँ पे राड़ी घाटी में, तो आपको भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे मैंने यहाँ पे शॉट लिया है, ड्रोन शॉट, और आपको भी दिखाऊंगा वीडियो में, जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए ड्रोन उड़ाते हैं, ठीक है, बंद कर। अभी हम यहाँ पे आग जलाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्योंकि ठंडा भी काफ़ी लग रहा है, हाथ एकदम ऐसा लग रहा है जैसे टूट गए होंगे। तो यहाँ पे हम जलाएंगे आग और आपको भी दिखाएंगे कैसे हम यहाँ पे आग जलाते हैं, ठीक है। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ पे आग जला दी है बड़ी मुश्किल से और गौरव का आईफोन भी गया बर्फ के अंदर, वहाँ पे रखा था स्टैंड के ऊपर, हमने स्टैंड बना रखा था पत्थर का, और वहाँ से गिर गया पानी, चले देखो पानी तो नहीं पड़े नीचे गिर गया तो नहीं कुछ। और अभी आग बुझ गई, टाइम लैप्स थोड़ा तो बन गया, और हमारी आग भी जल रही है दोस्तों यहाँ पे। और थोड़ा सा आग जला देते हैं पहले, क्योंकि गीली लकड़ी है, तो गीली लकड़ियों पे जो है आग जलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे आग जलाने की। तो चलिए, और काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है अभी मैंने इतनी आग जला दी है, और हवा हो रही है, तो हवा की वजह से जो है थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आग जलाने में। और गौरव भाई भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर आग जलाने में, पर आग जो है जलने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि लकड़ी पूरी गीली है दोस्तों, और गीली लकड़ियों पर जो है आग जलाना पत्थर पर शर्माने वाले काम हो गए हैं यहाँ पर। तो आखिरकार बहुत ज़्यादा मुश्किलों से जो है यहाँ पे आग जला दी है हमने, काफ़ी टाइम लगा इसमें, लगभग आधा घंटा समथिंग। और देखिए अब इसके ऊपर जो है हम इसको रखेंगे पतीली को, और परेशान हो गए दोस्तों आग जला जला के, लकड़ियाँ जो है आग पकड़ ही नहीं रही है।
और आज बर्फ की मैगी बनेगी दोस्तों। इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसमें बर्फ को पिघलाएंगे और उसके बाद इसमें मैगी वगैरह डालेंगे। तो देखते हैं अभी पिघलती है बर्फ की नहीं पिघलती है। और यहाँ पे बनेगी अभी हमारी मैगी। लगभग हमने उसमें बर्फ़ डाल दी है, उसमें अब मैगी डालना बाकी है, उसके बाद बनेगी टेस्टी मैगी। तो चलिए तो आखिरकार हमारी मैगी पकी चुकी है। और यहाँ पे देखिए गौरव का सेल्फ स्टैंड कितना ख़तरनाक बन रखा है। यहाँ पे पहले हमने ऊपर बनाया था, उसके बाद हमने यहाँ पे ले आया इसको। लकड़ी से बनाया गाइस, लकड़ी का बन रखा है। लकड़ी से बनाना पड़ा क्योंकि बर्फ़ एकदम पिघल जा रही है, क्योंकि फ़ोन की डिवाइस गर्म होती है तो बर्फ़ पिघल जा रही है एकदम। और हमारी मैगी बन गई है गाइस, टेस्टी मैगी। और इस ठंड में मैगी खाने का जो मज़ा आएगा अलग ही आएगा। और अब इसके बाद हम जो है मैगी खाने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारी मैगी जो है बिल्कुल पक चुकी है। देखिए बहुत मेहनत लगी है दोस्तों इसको बनाने में। चलिए दोस्तों अभी मैगी खाना स्टार्ट करते हैं। हमने बना दिया है बोतल की कप और इसमें खाएंगे हम मैगी। ठीक है, डालो इसमें एक बार। अब चम्मच तो है नहीं, चम्मच नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ऐसे चलेगा आज। और गर्म हो रखा है काफ़ी, प्लास्टिक में बगल। तो आखिरकार मैगी बनी गई है दोस्तों। और हमारे पास ऐसे पत्तल वगैरह कुछ मतलब बर्तन वगैरह थे नहीं, तो हमने क्या किया कि बोतल को काट करके जो है इसमें मैगी डाल दिया। अब इसको पीने में बड़ी दिक्कत हो रही है, गर्म है बहुत ज़्यादा। बहुत ही टेस्टी। तो आखिरकार हमने मैगी खा दी है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी बिना प्याज के बिना टमाटर की, फिर भी जो है इतनी अच्छी मतलब इतनी टेस्टी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों, बहुत ही टेस्टी हो रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से कचरा वचरा जितने हमने यहाँ पर फैला रखा था उसको उठाएँगे और कहीं मतलब ऐसी जगह डालेंगे जहाँ पर कचरा डंपिंग होगी। तो चलिए यहाँ से पहले कचरा उठाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ से निकलने का। तो चलिए दोस्तों यहाँ से करते हैं अलविदा और आएंगे अब यहाँ किसी और दिन। तो अभी के लिए हम चलते हैं घर को, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, लगभग 4 बज गए हैं और अभी तक हम यहीं पे हैं। सुबह हम आ गए थे यहाँ पे 10 बजे और 10 बजे से जो है हम अभी तक यहाँ जंगलों के बीच में घूम रहे हैं। तो चलिए अभी मिलेंगे आपको आगे के ब्लॉग में। तो फिलहाल यहाँ की लोकेशन को टाटा बाय बाय करते हैं और चलिए आगे के उसमें। हाँ, बर्तन सेकंड बार यहाँ पर डालने सर। तो अभी गौरव भाई का एक्सपीरियंस पूछेंगे हम कि आज कैसा लगा गौरव को। तो बता भाई, गौरव भाई कैसा लगा आज का ट्रिप हमारा? काफी मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया गाइस। इतनी बर्फ जो है पहाड़ी राई ने पहली बार देखी। इस भाई को हमने दिखाने लाया, हमने कहा भाई चलो हमारे साथ कुछ दिखाएं तुम्हें। और भाई को कैसा लगा? मजा आया ना? मजा है दोस्तों, मजा आ गया इस ब्लॉग में। इससे पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ, गरम अभी मैगी भी खा ली। तो पहले तो भूख लगी थी काफी ज्यादा, और होता है ना शरीर के अंदर एकदम गर्मी सी आ गई है, खा के एकदम से मस्त हो गए। यहाँ देखे दोस्तों, इधर भी बर्फ, इधर चारों तरफ बर्फ, मतलब मजा आ गया दोस्तों आज के ब्लॉग में, आज के ट्रिप में हमें मजा आ गया, क्योंकि चारों तरफ इधर बर्फ है, ऊपर भी बर्फ है दोस्तों, नीचे भी बर्फ है। ठीक है, और यहाँ देखे दोस्तों, यहाँ पे पाला पड़ा हुआ है बहुत ही खतरनाक। इसके ऊपर जो है बाइक ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाइक के टायर जो है इतने ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं कि गिरने के डर भी है दोस्तों यहाँ पे। इसलिए हमने गाड़ी पीछे ही खड़ी करके आ गए हैं दोस्तों, 2-3 किलोमीटर पीछे। तो चलिए दोस्तों आगे के ब्लॉग में। आगे कितनी बर्फ है? आगे भी का? निकल जाएगी गाड़ी, गाड़ी हाँ हाँ निकल जाएगी, 2 किलोमीटर तक होगी बर्फ। हाँ 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 हो जाएगा।
देखिए दोस्तों कितना ज्यादा टायर फिसल रहा है गाड़ी का। भाई ने देखो पूरा बर्फ का टीला यहाँ पे उठा लिया। भाई कहाँ ले जा रहे हैं इसे? घर ले जाएंगे। तो भाई बोल रहे हैं कि इसको घर लेके चलेंगे, इतना बड़ा बर्फ को बोल रहे हैं इतनी दूर बार बार तो आएंगे नहीं। तो भाई ने बर्फ का टीला ही उठा लिया घर के लिए। तो भाई गाड़ी में कैसे रखेंगे इसे? तो चलिए दोस्तों वहाँ से भी हम आ गए हैं और यहाँ पे हम अपनी ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में, तब तक जय देवभूमि उत्तराखंड, जय बाबा वासुकीनाथ। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।